नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे मस्ताने। लेकिन उससे पहले आप सबको कह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट में जो बोले सो निहाल और सत्य श्री अकाल जरूर लिखिए। टाइम के अभाव के वजह से आज संडे को ही मुझे दो दो मूवी देखना पड़ा। पहले तो सुबह सुबह जाके ड्रीम गर्ल 2 देखा, उसका भी मैं रिव्यू कर दिया हूँ अपने चैनल पर, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बॉलीवुड का मूवी है, हिंदू घृणा तो उसमें होना लाजमी ही था और था उसमें। जी हाँ, बिल्कुल उसमें हिंदू घृणा था। उसके बाद शाम को मैं मूवी देखने गया था मस्ताने। 5:20 का शो था, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। एक सीट मुझे चाहिए था, वो भी कोने में जाकर वो सीट मिला मुझे। और आज जो मैं हॉल से अनुभव करके आया हूँ, ये अनुभव मैं पूरा जिंदगी भूलने वाला नहीं। जी हाँ, राष्ट्रगान पे तो हमेशा ही गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़े होते आए हैं, हमेशा ही खड़े होते हैं। आज मुझे हॉल में पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ फिल्म के बीच में हाथ जोड़ के अरदास के लिए खड़ा होने का मौका मिला पूरे हॉल के साथ। कमाल का अनुभव था ये, बहुत ही अच्छा अनुभव था। एक तरफ जहां बॉलीवुड हमारे सभ्यता संस्कृति कल्चर का मजाक बनाते आता है, उसी तरफ हमारे रीजनल इंडस्ट्रीज किस तरह गर्व के साथ हमारे कल्चर को प्रस्तुत करता है। कितने ज्यादा अच्छे एकता का भाव हमारे अंदर भरने का काम करता है रीजनल इंडस्ट्री। इतने लो बजट के साथ इतने बेहतरीन मूवी आया है हमारे सामने। 25 अगस्त को पूरा वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है 5 भाषाओं में। यदि आपके आसपास किसी भी थिएटर में एक भी शो है, यदि बॉलीवुड के मोनोपोली के वजह से किसी तरह एक शो यदि मिल गया आपके यहाँ इस मस्ताने मूवी को, प्लीज आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करिए। आप पूरे परिवार के साथ इस मूवी को देख सकते हैं, बहुत अच्छा मूवी। इतने कम बजट में, इतने कम संसाधन के साथ इतना अच्छा मूवी हमारे सामने आया है, मुझे लगता है एक और कंतारा ही है। 2.5 घंटे की मूवी यार, बहुत बार पूरे हॉल में जयकारे लगते रहा, जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। कमाल का अनुभव दिया ये मूवी मुझे। मैं तो पंजाबी में देख के आया हूँ, यदि आपके आसपास हिंदी में लगा है, कहीं तमिल तेलुगु में लगा है, तब बिल्कुल इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। नादिर शाह के काल को दिखाया गया इस मूवी में। इतने लो बजट के साथ इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है इस मूवी का। एक्टिंग और कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। मैं आप लोग को इस मूवी के कहानी के बारे में जरा सा भी हिंट नहीं देने वाला। मैं चाहता हूँ ये मूवी बहुत सारे पैसे कमाए। प्लीज़ इस मूवी को हॉल में जाके देखिए, डिजर्व करता है हॉल ये मूवी। और अंत में बताया गया है कि इसका अगला भाग भी आएगा। ये मूवी भी पूरा है, कंप्लीट मूवी है, लेकिन फिर भी कहा अगला भाग आएगा। इसलिए मूवी का बहुत ज़्यादा बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अच्छे खासे पैसे लगा के बहुत ही अच्छा मूवी हमारे सामने आए। मूवी में जितने बार भी सिख दस्ता स्क्रीन पे आता है, गर्व के साथ हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, पूरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट करता है उस सीन को। श्रद्धा से बिल्कुल सर झुक जाता है। बिना मतलब का कोई सॉन्ग्स नहीं डाला है इसमें। जो भी गाने हैं वो कहानी को ही आगे बढ़ाने का काम करता है। डायलॉग्स एकदम दमदार है। नादिर शाह के समय को बखूबी दिखाया गया है इस मूवी में। उस दौर का हमें मूवी दिखाने के लिए जो सेट्स तैयार किया गया है इतने कम बजट में, कमाल का है। बिल्कुल हमें उसी दौर में लेके चला जाता है ये मूवी। इस मूवी को मेरे तरफ से 10 में से 9 स्टार। हो सकता है इस मूवी में मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं कहानी के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।